उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में सीआईआई और कृषि विभाग के तत्वाधान में आयोजित इनोवेटिव फार्मर्स मीट में आए प्रगतिशील किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, जागरूकता और नवीन तकनीकी के अभाव में किसानों को अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना शुरू की है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है। इनोवेटिव फार्मर्स मीट में आए प्रगतिशील किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ लागू की हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना दाम देने की व्यवस्था पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए पिपराई चीनी मिल और मुंडेरवा में चीनी मिल लगाई गई है। सीएम योगी ने कहा कि पिपराई चीनी मिल 50,000 कुंतल प्रतिदिन पेराई की क्षमता वाली मिल होगी, जिससे फाइन शुगर, एथेनॉल और विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में दुग्ध उत्पादन को लगभग उजाड़ दिया था, हमारी सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 14 से ज़्यादा डेयरी शुरू होने वाली है। दुग्ध समितियों द्वारा किसानों से दूध क्रय करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसान डेयरी उद्योग के साथ अधिक से अधिक जुड़ सकें। सीएम योगी ने कहा कि हम किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के इस सपने को पूरा करने के लिए किसानों को खुद भी तैयार होना पड़ेगा। किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग, बागवानी, सब्जी उत्पाद, मुर्गी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन आदि के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि किसान सबसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक है, इसलिए किसानों को अपने अनुभवों को कृषि विभाग के साथ साझा करना चाहिए, ताकि उनके हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जा सकें। उन्होंने किसानों से कहा कि तकनीकी के साथ जुड़कर मिट्टी के हिसाब से जिस चीज़ का उत्पादन अधिक हो सके उसी फसल का उत्पादन करें। इस अवसर पर इनोवेटिव फार्मर्स मीट को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं सारे किसान भाई और बहनों का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उनको कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध है कि आज हमारे बीच में सारे कृषि बंधु और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम में बता रहे हैं। आज जैसा कि बहुत ही अच्छा दिन है और इंद्रदेव की कृपा भी बरस रही है, पर बारिश ज़्यादा हो जाने के कारण आज कुछ कार्यक्रम में विलंब भी हुआ है। मैं सभी लोगों से इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अभिनव किसानों की बैठक के प्रथम संस्करण में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं विशेष रूप से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री जसमोहन सिंह जी, अध्यक्ष सीआईआई उत्तरी क्षेत्र कृषि और खाद्य प्रसंस्करण समिति प्रबंध संचालक इंडिया लिमिटेड, श्री अंकित गुप्ता उपाध्यक्ष सीआईआई उत्तर प्रदेश राज्य परिषद एवं प्रबंध निदेशक दयाल फर्टिलाइजर, श्री अंकुर सिंह चौहान क्षेत्रीय निदेशक एवं उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बैठक आयोजित हुई है, जिनमें कृषि और संबद्ध बिरादरी से बहुत ही आशाजनक प्राप्त हुई है। आज की बैठक इनोवेटिव फार्मर्स मीट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के नवाचार और विविधीकरण के जरिए किसानों की आय को दोगुना करने के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर प्रदेश सरकार और मॉडर्न दिल्ली एग्रो सोसाइटी के सहयोग से आज की इनोवेटिव फार्मर्स मीट का आयोजन हो रहा है। पिछले हफ्ते मेरा गोरखपुर क्षेत्र में आना हुआ, यहाँ पर एक दूध का कारखाना लगाने के लिए
बहुत छोटा था, प्रति किसान जो खेत की साइज देख लेंगे बहुत बड़ी समस्या है कि धान की पराली को लोग जला लेते हैं। कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी कृषकों की, उन्होंने उसके खेत में भूसा जला दिया। इसकी जानकारी कृषि अपशिष्ट से व्यावसायिक अवसर पैदा करने के मामले में इनोवेटिव फार्मर्स मीट के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सीआईए क्षेत्र के अध्यक्ष कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा इंडिया लिमिटेड के सीआईए के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ज्ञान देवी जय अग्रवाल जी, क्षेत्र निदेशक सीआईए से अंकुर सिंह चौहान जी, जयसवाल जी, विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, हम लोगों ने 3.5 करोड़ से अधिक
पहुंचाने का कार्य किया, जिससे हर किसान को इस बात की जानकारी हो सके कि उसके इस खेती में किस तत्व की कमी है और इसकी आपूर्ति हम कैसे कर सकते हैं और खेती की उर्वरता को हम बनाए रखकर के अधिक से उत्पादन उस खेती से कर सके, इस दृष्टि से एक बृहद अभियान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चलाया है। लेकिन अभी किसान वर्गों को इस बात के लिए व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है कि हमारे खेत को जिस तत्व की आवश्यकता है उसी की आपूर्ति फर्टिलाइजर से, केमिकल से या फिर अन्य साधनों से उसमें उसकी आपूर्ति करें। देखा देखी न करें, अक्सर होता है एक किसान अपने खेत में अगर किसी कवर का एक फर्टिलाइजर या केमिकल छिड़क रहा है, दूसरा किसान भी वही देखा देखी वह छिड़कने का प्रयास करता है। और इस देखा देखी में अक्सर होता क्या है कि खेती की उर्वरता पर असर पड़ता है, आपकी लागत बढ़ती है, उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है और अंततः जब खेती पूरी होती है तो किसान अपने हाथ पे हाथ धरा बैठे रह जाता है, उसको जितना मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। विगत 5 वर्ष के दौरान किसानों के लिए अनेक योजनाएं घोषित हुई। आपने देखा होगा शायद सरकार से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वर्षों के बाद पहली बार हो पाया और आज तो हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दी है। ये सब तो कैसे ही है कि किसान को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता महसूस न हो। एक तरफ किसान को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, लेकिन साथ साथ उसका स्वावलंबन की खुशहाली का आधार बन सके इस दृष्टि से नवीनतम तकनीक की जानकारी होना, समय समय पर किसानों को उसके सही समय पर उसकी तकनीक, खेती की तकनीक और सही बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर देना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिससे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कमलजीत फार्मर्स स्कूल के कार्यक्रम किसान पाठशाला के रूप में लगातार चल रहे हैं। 40 लाख से अधिक किसानों को अब तक हम किसान पाठशाला के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खेती संबंधी जानकारी, खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी, इंटीग्रेटेड खेती कैसे हम कर सकते हैं, सब के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। अनेक इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम जहां किसानों के लिए किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा भी किसानों को 2022 तक इनकम को हम दोगुना कर सके इस दृष्टि से किसानों को भी तैयार करना। और मुझे प्रसन्नता है कि जब इसमें CIO कृषि संस्थाएं भी आती है, उद्योग जगत भी जब किसानों के साथ मिलकर के इस अभियान को सफल बनाने के लिए कमर कसता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना न कर सके। भाइयों बहनों, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं। 2015-16 में आपने गेहूं की फसल को देखा होगा, तब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1460 रुपए तक मिल पाता था और उसके लिए क्रय की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। गेहूं उत्पादन किसान ने कर लिया, लेकिन अब उसको खरीदी का कहां ये न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे प्राप्त होगा, सरकार क्रय केंद्र नहीं चलाती थी। RTO के माध्यम से ऊंची घुसपैठ करवा करके किसानों का शोषण होता था, वहां उसके किसान को 900 से 1,000 रुपया मिल पाता था। लेकिन विगत वर्ष हमारी सरकार आई और जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, तो हम लोगों ने 2017 से जब कार्यक्रम अपना प्रारंभ किया, पहले वर्ष हम लोगों ने किसानों से 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया, दूसरे वर्ष
52 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया और इस वर्ष अभी हमारा यह क्रम लगातार चलना है और हमारा प्रयास है कि किसानों से हम गेहूं का क्रय सीधे करेंगे और आरटीजीएस से उसके अकाउंट में पैसा देंगे। एक क्विंटल गेहूं का दाम जो 2 वर्ष पहले तक किसान को 900 से 1000 रुपए भी नहीं मिल पाता था, आप 1860 रुपए हमारी सरकार उस किसान को सीधे उसके अकाउंट में देने का कार्य कर रही है। यानी 2 वर्ष में 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने में एक किसान को 900 रुपए के आसपास खर्चा जाता है। हमने कहा था भारत का 1.5 गुना दाम, यहाँ पर हम लागत का 2 गुना दाम किसान को देने की स्थिति में आ चुके हैं और यही हमने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी प्रदेश के अंदर तय की है। ऐसे ही प्रदेश में हम लोगों ने पहली बार आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ उसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी देने की व्यवस्था भी किसानों को दी। दलहन तिलहन के लिए यही व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की और गन्ना किसानों का तो 5-5 वर्षों का 2017 में जब हम लोग आए थे उनका बकाया चीनी मिलों पर था, कोई भुगतान नहीं हो पाता था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने संज्ञान को आगे बढ़ाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आजादी के बाद कभी भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कभी नहीं हो पाया। अक्सर मेरे पास देश के विभिन्न क्षेत्रों से चीनी उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपति आते हैं, कहते हैं कि गन्ने का सबसे अधिक नाम उत्तर प्रदेश में आप दे रहे हैं, क्या ये कम नहीं हो सकता? हम कहते हैं नहीं, कम नहीं होगा। आप किसान को समय पर उनका गन्ना मूल्य का भुगतान कर दीजिए। और भाइयों बहनों, मैं आज इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में बनी हुई है और बची हुई है। मैं आज भी देखता हूं कि हम नया बीज नया तकनीक लेने में संकोच करते हैं या हम उस ओर जाना नहीं चाहते। जैसे प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आप याद करिए बाण सागर परियोजना, ये बाण सागर परियोजना का शिलान्यास, इसको 1973 में योजना आयोग ने इस कार्यक्रम की को अपनी सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था और 1977-78 से यह योजना चल रही थी, कभी पूरी नहीं होती। हम लोग जब 2017 में आए और मैंने इस बात को देखा कि 40 वर्ष से एक योजना अभी भी हमारे प्रदेश में ऐसी लंबित पड़ी हुई है जिस पर टोकन मनी हर वर्ष जाता है और टोकन मनी टोकन ही बनकर के रह जाता है। हमने कहा एक साथ पूरा पैसा दो और मैंने एक कार्य योजना तैयार कराई कि इस योजना को 1 वर्ष के अंदर पूरा होना है। अब आश्चर्य करेंगे, हमने 1 वर्ष के अंदर योजना को पूरा किया और विगत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों इस योजना को राष्ट्र को भी समर्पित कराया। 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हम लोगों ने बाण सागर परियोजना के माध्यम से की है और बाण सागर योजना के माध्यम से सिंचन की क्षमता तो दी ही है। मैंने वहां के किसानों से अपील की और कृषि विभाग से भी सिंचाई विभाग से भी कि भाई आप लोग मिलकर के एक साथ किसानों के साथ बैठिए, अगर हम जो वर्तमान में 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचन की क्षमता दे रहे हैं बाण सागर परियोजना से, अगर हम इसको ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ देंगे तो किसान की उत्पादन क्षमता भी खेती की ज्यादा बढ़ेगी और साथ साथ हम इससे जो अभी 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचन के लिए जल उपलब्ध करा रहे हैं बाण सागर परियोजना से, इसी योजना से हम लोग इस क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर से लेकर 4 लाख हेक्टेयर तक लैंड को सिंचन की क्षमता दे सकते हैं, बस अब ड्रिप इरिगेशन के साथ हम इसको जोड़ दें। लेकिन अभी भी हम तकनीक अपनाने में या तो कोताही बरतते हैं या जानकारी का अभाव है और मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, शासकीय संस्थाएं भी
और साथ साथ किसान भी, क्योंकि किसान अगर अपनी लागत को कम नहीं करेगा, उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाएगा, तो फिर वह खेती बाड़ी उसके लिए कभी भी मुनाफा का सौदा नहीं हो पाएगा, वो हमेशा कर्ज तले दबा रहेगा। और आज हम सबको अभिनंदन करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लगभग 40-42 वर्ष के बाद MSP की घोषणा की। आज लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम किसान को सीधे MSP के माध्यम से दाम देने की व्यवस्था हुई। वही साथ ही साथ इंटीग्रेटेड खेती के माध्यम से हम एक ही जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला सकते हैं। और मुझे लगता है जिन प्रगतिशील किसानों ने, आप में से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो प्रगतिशील हैं, जिन्होंने खेती के साथ अपने बहुत सारी ऐसी चीजों को जोड़ा है जो उसकी किसान की आमदनी को बढ़ाने में व्यापक लाभ जिसके माध्यम से हो सकता है, जब तक हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार से हम लोगों के लिए समस्या बनी रहेगी। जहां तक खेती बाड़ी का प्रश्न है तो धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन या फिर साग भाजी का या फिर बागवानी तक ही हम इसे सीमित न रखें, बल्कि हम इसे पशुपालन तक आगे बढ़ा सकते हैं, डेयरी उद्योग को इसके माध्यम से एक नई मजबूती दे सकते हैं, हम इसके माध्यम से मुर्गी पालन का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, हम इसके साथ मछली पालन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। अनेक कार्यक्रम एक साथ जोड़ करके एक किसान को न केवल स्वाभाविक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकता है, अभी तो किसान को खेती बाड़ी के माध्यम से खुशहाल बनाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से हो सकता है। और यही अपील आज मैं आप सभी प्रगतिशील किसानों से करूंगा कि हम सब जाने जिन किसानों ने थोड़ी भी ध्यान दिया, आखिर पद्म पुरस्कार से तो किसान प्रदेश के सम्मानित होते हैं श्री राम शरण वर्मा जी और श्री भारत भूषण त्यागी जी, इन्होंने अपने क्षेत्र में अभी अलग ही एक नई मिसाल प्रस्तुत की। और आप में से प्रत्येक किसान की यह क्षमता है, अभी मैं महाराजगंज के किसान को सम्मानित कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं सब्जी उत्पादन करता हूं, मैंने कहा कितना रकबा है, कहा 1 एकड़ खेती, मैंने कहा कितना इससे कमा लेते हैं, कहा 1 एकड़ खेती में एक वर्ष में 8 से 9 लाख रुपए में कमाता हूं, यह एक किसान यहां पर अभी मेरे सामने कह करके गया है। और आप में से हर किसान अपनी 1 एकड़ खेती में 8 से 10 लाख रुपए कमाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप 1 एकड़ खेती के साथ दो अच्छी गाय रख लें, अच्छी नस्ल के दो भैंस रख लें, तो खेती से आपको अन्न भी मिलेगा और चारा भी मिलेगा। अपने खेत में एक और उनको भी रखिए, उनका भी पालन करिए, समितियां गांव गांव में गठित करवा करके, क्योंकि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकारों ने डेयरी उद्योग को बंद सा कर दिया था उसको हम पुनर्जीवित करने के सामने कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 14 डेयरियां या तो हमारी प्रारंभ हो चुकी हैं या प्रारंभ होने वाली हैं। इन डेयरियों के माध्यम से किसान को दूध, किसान से दूध क्रय करने की व्यवस्था, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में दुग्ध समिति का गठन करना, फिर दुग्ध समिति के माध्यम से डेयरी तक दूध पहुंचाने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर भी कर रही है, निजी क्षेत्र को भी इसमें प्रोत्साहित कर रही है। डेयरी से संबंधित हम लोगों ने अपनी एक अलग ही पॉलिसी तैयार की है और उसके माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, हम सबको उस प्रयास के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। मेरा यह मानना है कि केवल हम खेती करें वह हमारे पर्याप्त नहीं होगा, हमें देखना चाहिए खेती में धान की, जहां पे धान की आवश्यकता वहां धान भी करेंगे, गेहूं की आवश्यकता है गेहूं का भी उत्पादन करेंगे, गन्ना का जहां उत्पादन होना वहां गन्ना का उत्पादन भी करेंगे, लेकिन इन परंपरागत खेती के साथ अगर हम सब्जी उत्पादन के सामने जाते हैं तो आपकी इनकम इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बागवानी की तरफ जाते हैं तो ये हॉर्टिकल्चर की तरफ जाने में उससे भी आमदनी कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। खेती बाड़ी हो या पशुपालन का कार्य या फिर किसी भी मुर्गी पालन का हो, बतख पालन का हो, मछली पालन का हो, ये एक बार मेहनत तो मांगती है
लेकिन मेहनत के साथ जब आप स्वयं जुड़ते हुए दिखाई देंगे याद करना, यह आपकी खुशहाली के साथ साथ ढेर सारे लोगों को एक नया परिवर्तन दिखाने का माध्यम भी बनता है। आप ढेर सारे लोगों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं और यही फार्मर्स इनोवेटिव नीड्स का उद्देश्य भी यही है। जिसने अच्छा किया है वह आकर के बताएं। मैं देखता हूं अभी भी गन्ना का उत्पादन की स्थिति हमारे यहाँ क्या है। एक एकड़ में बहुत मुश्किल 150 से 200 क्विंटल गन्ना हम लोग पैदा करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रगतिशील किसानों को देखा है जिन्होंने एक एकड़ में 500 से 600 क्विंटल से कम इतना क्विंटल गन्ना पैदा करना सीखा है, देख रहे करते रहे हैं। और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक एकड़ खेत में आप 200 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहे हैं आपको फायदा होगा, या फिर उस किसान को जो एक एकड़ खेत में 600 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहा है आपसे 3 गुना भी गन्ना पैदा कर रहा है, अच्छी किस्म का गन्ना पैदा कर रहा है, अच्छा उस गन्ने के माध्यम से जो रिकवरी आ रही है मिल भी आसानी से उस गन्ने को खरीद लेती है। गन्ने की खेती के साथ साथ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने गन्ने की खेती के साथ सब्जी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ किया है, अन्य कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़े हैं, यानी कई गुना किसानों की आमदनी बढ़ाने के ये माध्यम है। हमें इस तकनीक को सीखना होगा, उस तकनीक के तह में जाना होगा। और खेती बाड़ी केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, हम सेमिनार के माध्यम से सीख जाएंगे ऐसा नहीं है, खेती बाड़ी का व्यवहारिक ज्ञान है। जब हम खेतों में जाके करेंगे, पशुपालन के साथ उसको जोड़ेंगे या फिर अन्य माध्यम के साथ उसको जोड़ेंगे तो उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। और मैं यही आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि समय आ गया है और गन्ना किसानों के लिए तो बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बात के लिए प्रफुल्लित होना चाहिए कि हम लोगों ने पहली बार देश के अंदर दो चीनी मिलें यहाँ पे लग रही हैं, एक पिपराइज में चीनी मिल और एक मुंडेरवा में चीनी मिलें, दो चीनी मिलें लग चुकी हैं, जहां से हम फाइन शुगर बनाने के साथ ही इस नए सत्र में हम वहां पर जितनी हमारी चीनी की आवश्यकता होगी उतना से हम फाइन शुगर बनाएंगे, उतनी से हम चीनी बनाएंगे, लेकिन शेष जितना भी गन्ना होगा हम सीधे उससे इथेनॉल भी बनाना प्रारंभ करेंगे और किसान को उससे ज्यादा दाम देंगे। अकेले चीनी मिल आप देख रहे होंगे कि पिपराइज में पहले जो चीनी मिल थी, पुरानी चीनी मिल जो बंद हो चुकी थी आज से 12-15 वर्ष पहले, उस चीनी मिल की क्षमता थी 700 क्विंटल प्रतिदिन तेल मिल, और आज जो चीनी मिल हम लोग लगाने जा रहे हैं इस चीनी मिल की क्षमता है 50,000 क्विंटल प्रतिदिन तेल निकलना तेल मिल। आप अनुमान कर लीजिए कितने बड़े एरिया को वह क्षेत्र वह चीनी मिल कवर करेगी, जहां हम चीनी और इथेनॉल सीधे बनाएंगे वही साथ साथ वहां डिस्टरी भी कार्य करेगी, वहां पर भोजन प्लांट भी लग रहा है जिससे हम विद्युत की आप विद्युत उत्पादन भी कर पाएंगे, और साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम उस चीनी मिल के साथ हम जोड़ करके करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा किसान भी लाभान्वित होगा, नौजवान भी लाभान्वित होगा और आसपास के क्षेत्र में नए उद्यम भी उससे फलने फूलने की स्थिति में रहेंगे। गन्ना किसान आज के दिन पर इस बात का संकोच न करें कि उसके खेत में गन्ना है कि चीनी मिल में जाएगा कि नहीं जाएगा। आने वाले समय में कम से कम गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के गन्ना किसानों को तो इस बात की चिंता नहीं ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सीधे गन्ना उनका खेत से या खेत से गन्ना वहां मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था वह स्वयं करे या फिर मिल स्वयं करे, लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसको अपने आप ही पर्ची भी मिलती हुई दिखाई देगी और उसके गन्ने का नाम उसी वर्ष उसको मिलता हुआ प्राप्त होगा। 70,000 करोड़ रुपए तक आज हम 2 वर्ष के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल हुए हैं। 70,000 करोड़ रुपए एक बड़ी राशि होती है जो प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे प्रदेश सरकार के द्वारा, चाहे वह निजी क्षेत्र की चीनी मिल रही हो, चाहे वह
किसी अन्य क्षेत्र की रेल हो, कॉपरेटिव की हो, फेडरेशन की हो, या निजी क्षेत्र की चीनी मिल हो, इन सभी चीनी मिलों से हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 70,000 करोड़ रुपए अकेले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने गन्ना किसानों के बैंक अकाउंट में देने की व्यवस्था की है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को उतारने के लिए ही आज एक बार यहाँ पर इनोवेटिव फार्मर्स समिट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य, ऐसे नवाचार खेती के माध्यम से आप सबके द्वारा भी किए जा सकते हैं। और सबसे कृषि, आपसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आप वहां कार्य कर रहे हैं, आपको सब जानकारी है इसके बारे में। और जब आप स्वयं खेती के क्षेत्र में रुचि लेकर के कार्य कर रहे हैं तो अपने अनुभव को भी आपको कृषि विभाग के साथ साथ इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ संस्थाओं को भी अवगत कराना चाहिए, जिनकी किसानों की आय को दोगुना करने में रुचि है, जो प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके सचमुच किसान को लाभकारी दाम देने में सहायक है, उन सभी संस्थाओं को इसके बारे में अवगत कराई जाने की आवश्यकता है। मैं CII और कृषि विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह एक बहुत रोचक जो संगोष्ठी यहाँ पर रखी है। यह न केवल खेती की परंपरागत विधियों में नवाचार की संभावनाओं को बढ़ाएगा, बल्कि इंटीग्रेटेड खेती की तरफ भी किसान को आगे बढ़ाने के साथ साथ खेती को बाड़ी के साथ जोड़कर, पशुपालन खेती को पशुपालन के साथ जोड़कर के, मुर्गी पालन के साथ जोड़कर के, मछली पालन के साथ जोड़कर के किसान की आय को दोगुना करने के संकल्प में, मुझे लगता है कि संकल्प को हम साकार करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मैं आज के अवसर पर हृदय से एक बार पुनः दोनों संस्थाओं को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी किसान बंधुओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप सब अपनी खेती बाड़ी को नवाचार का माध्यम बना करके अन्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।